हेलो स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर सम डिले। कैसे हैं आप लोग? हाँ, तो कल हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे। हाँ, ये उस एक्सरसाइज को पूरा करते हैं। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आ गए भाई साहब सारे के सारे? जल्दी से जल्दी एक बार ग्रुप पे मैसेज डालो, जल्दी से जल्दी बोल दो सर आ गए हैं। और क्लास बिल्कुल फटाफट धकाधक होने वाली है। हेलो टू एवरीवन, हाय निशांत, हाउ आर यू? चलिए, दो टेंसेज आपके पास थे, पहले उन दो टेंसेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद। सबसे पहली बात आती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके अंदर दो तीन टाइप के बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, एक एक्सेप्शन बनती है जो कि स्टूडेंट्स अक्सर भूल जाते हैं। बड़े ध्यान से देखना मनीष भाई, अमित जी, निशांत जी, रवि जी, सूरज जी, शिखा जी, राहुल जी, जितने भी लोग जुड़े हैं बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन आती है, इसके अंदर विल या शैल का इस्तेमाल होता है। इसके अंदर क्योंकि परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। अब देखो, मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, तो मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और बेस फॉर्म आती है। तो थर्ड फॉर्म किसके साथ लगती है? हैज हैव हैड के साथ, और बेस फॉर्म क्या है? हैव, और ये इसकी फॉर्मेशन बन जाती है। जो काम फ्यूचर के अंदर कंप्लीटली डन हो चुके होंगे, द एक्शन विच विल हैव परफॉर्म्ड और कंप्लीटेड इन द फ्यूचर, उनके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यानी 8 बजे तक मैं ये काम कर चुका हूंगा, या कल शाम तक वो मेरे पास फाइल आ चुकी होगी। तो अगर मैं इस तरह की बातचीत करूंगा तो उस चीज को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज करेंगे। इसके ऊपर एक सिंपल सेंटेंस मैं बना रहा हूं, लेकिन उसके अंदर आप टाइम एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, वो बाय का या टिल का या अनटिल का इस्तेमाल फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अगर मैं लिख दूं कि द मिनिस्टर विल हैव पोस्टेड द रिपोर्ट बाय द नेक्स्ट वीक। अब यहां पर आपने द नेक्स्ट के साथ बाय लगा दिया। केवल नेक्स्ट वीक की बात हो रही होती तो फ्यूचर सिंपल फ्यूचर होता, लेकिन नेक्स्ट वीक के बाय, और बाय शब्द का मतलब क्या होता है बेटा? बाय का मतलब शुद्ध हिंदी में बोलते हैं तक, और इसी को टिल या अंटिल के सेंस में भी जाना जाता है। बाद में कंजंक्शन का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे और प्रेपोजिशन का चैप्टर हम पढ़ेंगे, उनके अंदर हम देखेंगे कि टिल और अंटिल का अपना क्या महत्व होता है या क्या अर्थ होता है। सो विल बी गोइंग टाइप कुछ नहीं आएगा यहां पर। सर दिस सेंटेंस यूज टू इंडिकेट द प्रेडिक्शंस अजम्पशन, वेरी गुड। सबसे पहला यूज तो इसके अंदर यही है कि कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर। तो फर्स्ट यूज है कंप्लीटेड एक्शन, टू एक्सप्रेस द कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहला देखिए,
एग्जाम्पल, अगर यहां पर आपको नेगेटिव बनाना है तो मुझे बताइए, विल के बाद नॉट लगेगा, हैव के बाद नॉट लगेगा, या मिनिस्टर के बाद नॉट लगेगा, या पोस्टेड के बाद नॉट लगेगा? तो कल भी आपको बताया गया, जब भी आपके पास कोई वर्ब होती है तो ये ऑक्सिलरी या मॉडल्स के साथ जो भी एडिशनल वर्ब और मेन वर्ब होगी, हमेशा वर्ब आपकी पहली वाली वर्ब के साथ लगेगी। और पहली वर्ब यहां पर क्या है? विल। और विल के साथ विल नॉट आ जाएगा। अभिजीत, आप सारे के सारे सेंटेंस जो है शल बी वर्किंग टाइप के बना रहे हैं, वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, लेकिन आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डील कर रहे हैं। सो विल के बाद नॉट आएगा, रवि बिल्कुल सही बताया। सो अभिषेक, अगर आपका जवाब होता वी शैल हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट टिल द एंड ऑफ दिस मंथ लिखते, तब आपके पास ये सही हो जाता। अगर मैं इसके नेगेटिव करने की बात करूं तो नेगेटिव जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा द मिनिस्टर विल नॉट हैव पोस्टेड द रिपोर्ट बाय द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह तक नहीं दे पाएगा, नहीं दे सकता। तो यहां पर नॉट का जो पोजिशनिंग आई वो आप चेक कर सकते हैं कि विल नॉट हैव पोस्टेड यहां पर आया है। अगर सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप आएगा, नेगेटिव है तो भी फुल स्टॉप आएगा, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस को आप फ्यूचर में इंटरोगेटिव में यानी प्रश्नवाचक वाक्य में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है पहले वाली जो वर्ब है वो आगे चली जाएगी क्वेश्चन बनने के लिए। तो विल द मिनिस्टर हैव पोस्टेड द रिपोर्ट बाय द नेक्स्ट वीक, और लास्ट में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। या विल द मिनिस्टर नॉट हैव पोस्टेड द रिपोर्ट बाय द नेक्स्ट वीक? यहां पर विल नॉट दो शब्द हैं, दो को अगर एक बनाना चाहें तो वॉन्ट बन जाएगा, WON_T बन जाएगा, और इसी तरीके से ये राइट आंसर दे देगा। अब यहां पर अगर यहां तक की सारी बात समझ में आ गई तो एक बार वाई लिखकर मुझे बताइए, ताकि मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन जनरेट कर सकूं इवेल्युएशन के लिए कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है। वाई लिखिएगा एक बार फटाफट। ठीक है जी, बाय द 4 PM टुमोरो टूडे, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है रवि जी, सही है। आई शेल नॉट बी प्लेइंग चेस, आप सेंटेंस। अभिजीत भैया, क्या आपने कल की क्लास ली थी? तो ये तो कल वाले सेंटेंसेज है, आज वाले सेंटेंस में मैंने बताया शेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए बढ़िया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके पास। एक सेकेंड रुकना, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई।
चलिए क्वेश्चन आपके पास ये है, मैं साइड में हो गया हूं ताकि आप बिल्कुल ध्यान से और बड़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चन को, डबल क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन है, डबल ब्लैंक के तौर पर बनाया गया है। सीपीओ प्रीलिम्स के अंदर 2017 के अंदर ऐसे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। डी बता रहे हैं अमित कुमार, सूरज सी बता रहे हैं, रवि सी बता रहे हैं, अमित कुमार का आंसर डी आ रहा है, बाकी सारे लोग बताओ। एक बार जिसने आंसर दे दिया वो कांस्टेंट बिल्कुल छोड़ दो, बाकी लोगों के आंसर भी फिर मेरे को इवैल्यूएट करने में आसानी रहती है। देखो जवाब दीजिए, यहां पर कई बच्चे और भी हैं, अंजलि, अनन्या, दीपक, हर्ष, जसपाल, महावीर, राहुल, रश्मि, राज, शिखा, सुधाकर, सूरज, वेद प्रकाश, शिवम, तमाम बच्चे हैं, सब लोग जवाब नहीं दे रहे हैं शायद, या सोचने में दिक्कत आ रही है। और देखो पहले ही झटके में अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल गया तो आपका हक्के बक्के गुम हो गए हैं। अब देखो इसके अंदर हल्की छोटी सी एक ट्रिक लगानी थी, आइए क्या ट्रिक लगानी है। मैंने आपको बताया अगर बाई के साथ टुमारो आया हुआ है तो उस काम उस समय तक वो काम पूरा हो चुका होगा, मान लीजिए ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर, और इस टाइम तक यानी कल तक ये काम पूरा होगा या पूरा हो चुका होगा, तो आपको कंप्लीटनेस की सिचुएशन को एज्यूम हो रहा है, और यहां पर आपके पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन होती है विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज होता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के तौर पर यूज होता है। अगली बात देखो, यहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क के अंदर यू विल हैव गोट आएगा या विल यू हैव गोट आएगा, तो आपको पता है वर्ब बाहर आ जाती है। चलो आने में लेट हो जाता है कई बार, इसी तरीके से क्लास लगा हुआ था एक जगह। ठीक है, तो अब यहां पर क्वेश्चन मार्क है तो ये हो जाएगा विल यू हैव गोट। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, आई एम श्योर, मैं निश्चित और सुनिश्चित हूं दैट टुमारो, अब केवल टुमारो लिखा हुआ है, बाय टुमारो नहीं है, तो टुमारो के साथ सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा और ये फुल स्टॉप दिखा हुआ है, तो यू विल गेट, सीधा सीधा लिख देंगे। अब ये वाला आंसर कौन से ऑप्शन में है, तो ये वाला आंसर कौन से ऑप्शन में है, तो रश्मि राज अभी भी आंसर गलत बता रही है, या बाय टुमारो है और यहां केवल टुमारो है, बाय द नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक में फर्क है, केवल नेक्स्ट या नेक्स्ट डे नेक्स्ट नाइट के लिए सिंपल फ्यूचर टेंस आता है, लेकिन अगर बाय टिल या अंटिल के साथ टुमारो या कोई फ्यूचर रिलेटेड वर्ड को लगा दिया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और यहां पर पहला क्वेश्चन इंटरोगेटिव था तो विल यू हैव गोट आएगा, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास केवल टुमारो था, सिंपल फ्यूचर टेंस का बनेगा यू विल गेट, और यहां पर जो राइट आंसर आपका बनना है वो ऑप्शन नंबर जो है वो सी, जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर बनने वाला है। सो आप में से कितने लोगों को अंदाज लग गया है कि आप क्वेश्चन में गलती कर रहे थे, कितने लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी दिया जाए ताकि मजा आ जाए।
बट सर वो तो क्वेश्चन कर रहा है तो वो फ्यूचर सिंपल होना चाहिए ना। नहीं क्वेश्चन कर रहा है तो क्या क्या तुम कल तक अपॉर्चुनिटी को प्राप्त कर चुके होगे? अब वो बाय टुमारो कह रहा है। अगर मैं यहां से बाय को हटा दूं तो बाय हटाने पर ये सीधा सीधा बनेगा विल यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टुमारो। टुमारो को आगे लिखो पीछे लिखो वर्ब से पहले लिखो वर्ब से बाद लिखो कुछ भी लिख सकते हो आंसर आ जाएगा। ठीक है निशांत। ऐसे वर्ड जो फ्यूचर परफेक्ट में होंगे। अब देखो एक मास्टर ट्रिक और देखो सिंपल फ्यूचर लगाने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। सिंपल फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? तो सिंपल फ्यूचर को शो करने वाले वर्ड मैंने कल लिखवाए थे टुमारो द डे आफ्टर टुमारो। नेक्स्ट डे नेक्स्ट नाइट नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंथ यानी नेक्स्ट वाले वर्ड टुमारो वाले वर्ड या अपकमिंग या कमिंग के सेंस में कुछ वर्ड होते हैं उनके साथ कुछ लिखा हो। नेक्स्ट के साथ कोई डे का नाम हो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। नेक्स्ट के साथ कोई मंथ का नाम दिया हो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर कुछ भी इस तरह की चीजें तो सिंपल फ्यूचर आएगी। लेकिन अगर इसके साथ बाई को अटैच कर दिया जाए तो फिर वो उस लिमिट बांध देता है लिमिट लगा देता है कांस्टेंट कर देता है और बाई लगाने पर वो सिंपल फ्यूचर नहीं रहता वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बदल जाता है। तो यहां पर बेसिक डिफरेंस यही था दोनों के अंदर। बाय टुमारो बाय नेक्स्ट डे बाय नेक्स्ट नाइट बाय नेक्स्ट वीक बाय द डे आफ्टर टुमारो बाय अपकमिंग वीक बाय नेक्स्ट डे बाय मंडे बाय नेक्स्ट मंडे बाय नेक्स्ट ट्यूसडे कुछ इस तरीके से होता है तब आपके पास चीजें फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाती है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को चीजें और ज्यादा क्लियर हुई हैं और वो अगर जिनको क्लियर हुई है वो इस क्वेश्चन के दर्शन एक बार फिर से कीजिए। आखिर इसके अंदर ये क्या मेंशन किया गया था? क्या अब लग रहा है चीजें सही बन गई है दिमाग में सेट हो गई है? तो वाई लिखकर मेरे को एक बार कंफर्म कीजिए। वाई लिखकर मेरे को एक बार कंफर्म कीजिए कि आपको चीजें कंफर्म हो गई है ताकि मैं एक धुआंधार क्वेश्चन आपके पास दे सकूं। फटाफट लिखिए। हाँ एक दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर टू आज का झन्नाटेदार अगला क्वेश्चन आपके पास।
चलिए, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, बहुत ही शानदार बढ़िया क्वेश्चन। आप फटाफट इसको देखिए, मैं आप साइड में हो गया हूं, और फटाफट आंसर दीजिए। मेरा पूरा ध्यान आपके कमेंट बॉक्स पर है, कितने लोग जल्दी से जल्दी आंसर देते हैं। अब यहां पर भी कई बच्चे जो है बहुत ही ज्यादा, मेरा बोलने का मन नहीं है आपको अप्रिशिएट करने का, पर तुम बहुत ही बदमाश बच्चे हो, तुम्हारे तुम्हारे आंसर समझ में नहीं आ रहे। एक दीपक कुमार ने आंसर सही दिया है और एक रवि ने आंसर सही दिया है। हाँ, और एक आंसर जो सही दिया बस, और किसी ने आंसर सही नहीं दिया, बस दीपक और रवि दो बच्चों का आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। अब मैं आपका क्या करूं बताओ, सबका आंसर गलत है, सबका आंसर गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो फॉर्म होती है वो, एक बार ध्यान से देखो क्या होती है, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पक्का विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो, मैंने लगा रखा बाय और मैंने लगा रखा टुमारो, पर पक्का फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आएगा, और फ्यूचर के परफेक्ट टेंस का मतलब होता है विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पकड़नी है तो रन रैन रन, रन रैन रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसमें फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम रहती है, और रैन तो सेकंड फॉर्म में यूज होता है। इस टेंस में मेरे को रैन चाहिए था या रन चाहिए था, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, मतलब कोई भी ठीक नहीं है, तो ये भी गलत। तो आंसर आपका क्या हो गया, नन ऑफ द अबव हो गया। क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। कितने लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो गलतियां आपसे हो रही है उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक वर्ब को पढ़ना जरूरी है। अब बताओ क्वेश्चन ठीक था गलत था, सच्ची में एक बार अपने कमेंट लिखकर बताओ क्वेश्चन कैसा था। आसान क्वेश्चन था ना, केवल वर्ब चेक करके काम करना था कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। ये भी चेक करने की जरूरत नहीं थी कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। तो रन रैन रन, ठीक है, कमेंट करके बताया करो। देखो सारी चीज, जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, भावनाएं आ रही है, तुरंत बताया करो, इसी के लिए कमेंट बॉक्स बनाया हुआ है। और लाइव डिस्कशन इसलिए ही करता हूं ताकि आपके ये बेसिक्स बढ़िया हो जाए, टनाटन हो जाए, ताकि मेरे को बाद में वॉइस नरेशन में प्रॉब्लम नहीं आए। बाद में यही बातें और यही बकवास अगर हम करेंगे तो आप कहोगे सर टाइम जाया होता है। रियली बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। और रवि और दीपक, बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने इस तरह से एक पॉइंट को पकड़ा। अच्छा, अब इसका राइट आंसर बताओ क्या होना चाहिए। तो विल हेनरी नॉट हैव रन, इसको रैन की जगह अगर रन कर दूं तो भी आंसर ठीक है। विल हेनरी हैव नॉट, विल हेनरी के बाद नॉट आना चाहिए था, हैव नॉट नहीं है तो वैसे ही गलत है। वॉन्ट हेनरी हैव रन, रैन की जगह रन होता तो भी ये ठीक हो जाता। तो ए और सी आपके ठीक बन जाते अगर रैन की जगह रन होता होगा तो। ठीक है, अब इसको करेक्ट करना भी आ गया। चलिए अब अगली पॉइंट पर बढ़ता हूं।
बच्चों आज आपको एक पता लगा, एक बात क्या हो गई, टाइप एरर हो गया, सर अबव इज रॉन्ग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बच्चों आज आपको एक बात पता है कि कल 2017 2017 का रिजल्ट आ गया है एसएससी सीजीएल का, जिसके ऊपर मैं कल रात को लाइव भी आपके सामने आया था, बहुत से लोगों ने देखा होगा। और उसी के अंदर एक जो बड़ी खबर इस समय निकल कर आई है, जो सेकंड रैंक आया है, सेकंड रैंक वाले का नाम आशीष भाई जो थे हमारे साथ, जो जुड़े हुए थे एसएससी ट्यूब से, वो 2017 के एग्जाम के रिजल्ट के अंदर ऑल इंडिया रैंक उनकी सेकंड रैंक आई है, ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई है एसएससी ट्यूब। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके की करिश्माई अंदाज, और ये मैं मानता हूं एक अच्छी टेस्ट सीरीज लगाने का फायदा मिल सकता है, एक अच्छी कोचिंग लेने का फायदा मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं फायदा कहीं से भी मिला हो, ये आपकी अपनी मेहनत का परिणाम होता है स्टूडेंट का। उसने कहीं ना कहीं अपनी आलस को त्यागा होगा, अपनी नींद को त्यागा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, खूब अपने आप को कुछ पाने के लिए बहुत कुछ उसने खोया होगा, ये उसके संकल्प का परिणाम आज उसके सामने आया है। आज हम लोग उसका नाम ले रहे हैं, आप लोग उसका नाम सुन रहे हैं, एक इंस्पिरेशनल स्टोरी उसके नाम पर जब क्रिएट होती है, एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट होती है, मील का पत्थर साबित होती है, तो चारों तरफ जो लोग उससे कहीं नाराज बैठे थे, मिलता नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं आता है, आज वो सारे लोग बड़े खुश हो गए होंगे कि बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर लग गया है, फक्र की बात है। चलिए तो आप सभी में से सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ साथ पूरी की पूरी एसएससी ट्यूब की टीम, कंटेंट टीम, अकाडमिक टीम, मैनेजमेंट टीम, सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान आप तक पहुंचने में, पहुंचाने में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अगले एक मस्त क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कितने लोग तैयार हैं? तो सबसे पहली बात, इसी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दूसरा प्रयोग पढ़िए। इसको हम प्रेडिक्शन या अजम्पशन के लिए यूज करते हैं, प्रेडिक्शन या अजम्पशन के लिए यूज करते हैं। प्रेडिक्शन या अजम्पशन का मतलब होता है किसी तरीके से, प्रेडिक्शन या अजम्पशन की बात करें तो मैं कहूं आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा, आपने मदर टेरेसा का नाम तो सुना ही होगा, मैं तो आपको सुना ही होगा, फ्यूचर के अंदर कह रहा हूं, सुना ही होगा, लेकिन सुनने का काम आपने पास्ट में किया होगा जो कि हो चुका होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। तो वहां पर कहीं ना कहीं शायद की फीलिंग आपके अंदर आ रही है, जिस शायद को अंग्रेजी में प्रोबेबली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोबेबली। और इसी संभावना से प्रोबेबिलिटी शब्द बनता है, जो कि बहुत ही खतरनाक या बहुत ही आसान चैप्टर होता है आपके मैथमेटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, और इसी के अंदर बोलते हैं प्रोबेबली यू हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा। ठीक है, तो यू विल हैव हर्ड, यू सॉरी यू विल हैव हर्ड, विल आएगा यहां, सॉरी बाय मिस्टेक मेरे से मिस हो गया है, या तुमने ऐसी चीज तो सुनी ही नहीं होगी, प्रोबेबली यू विल नॉट हैव हर्ड द नेम ऑफ मदर टेरेसा, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सो प्रेडिक्शन या अजम्पशन के लिए यूज किया जाता है, तो ये आपके पास बस जानकारी के लिए जरूरी है। तीसरा रूल इसके अंदर हम देख रहे हैं, अगर दो काम फ्यूचर में हो रहे हैं, एक हो रहा है फ्यूचर में फ्यूचर नंबर 1
और एक हो रहा फ्यूचर नंबर टू, फ्यूचर में होने वाले दो काम जो आपस में आगे पीछे हो रहे, पहले फ्यूचर वन और फिर फ्यूचर टू, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर कैसे करेंगे? यानी बारिश आने से पहले फसल सूख चुकी होगी, बारिश आने से पहले फसल सूख चुकी होगी, तो बताओ सबसे पहले काम क्या हो रहा है फसल के सूखने का, और दूसरा काम क्या हो रहा है बारिश के आने का। बारिश अभी आई नहीं है, आएगी, फसल अभी सूखी नहीं है, सूखेगी, लेकिन दोनों काम फ्यूचर में होने, लेकिन एक के बाद दूसरा होना है। पहले फसल सूखेगी, बाद में बारिश आएगी। इसका मतलब जो चीज पहले नंबर पर होने वाली होगी, जो फ्यूचर में सबसे पहले नंबर पे होगी, उसके लिए भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर में होने वाले आगे पीछे के पहले एक्शन के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इफ यू वॉन्ट टू डिटेक्ट और डिनोट वॉट शुड कम वेन देर इज फ्यूचर सेकेंड इंपैक्ट और सेकेंड एक्शन आफ्टर द फर्स्ट फ्यूचर एक्शन, तो उसके लिए बिल्कुल मैं मेरे पूरे के पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं, जिसको मैं वैसा का वैसा लिखूंगा, आप भी आराम से सुनना, क्योंकि यही सुनते आपके हो सकता है भौचक्केपन के साथ आपकी नींद खुल जाए। इसके लिए आपकी सिंपल फ्यूचर नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस के अनुसार यूज होता है। प्लूरल या आई हो तो फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर या अनकाउंटेबल हो तो फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस के साथ यूज होता है। सर इसके ऊपर एक सेंटेंस बना के दिखाइए, आप सबसे पहले इसको कॉपी पे नोट कीजिए। अगर मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करूं ताकि आप रूल को भी देख पाएं और इसको भी, ताकि बिना शिफ्ट किए बिना मूव करे आपको एग्जाम्पल दिखाई दे जाए, तो यहीं से मैं लिखने की कोशिश करता हूं। आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी गाइज? यस और नो? एग्जाम्पल लिखें? बिल्कुल, और जो एग्जाम्पल मैं लिखूंगा वो हू बहु आपने भी लिखने की कोशिश करनी है। थर्ड पॉइंट एक बार फिर बता दो। मैंने कहा फ्यूचर टेंस में अगर दो फ्यूचर के एक्शन आगे पीछे हो रहे हैं, तो जो एक्शन फ्यूचर में सबसे पहले होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और जो एक्शन उसके बाद होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करना है। नो टू फ्यूचर कैन बी यूज्ड टुगेदर इन अकॉर्डेंस विद कॉज एंड इफेक्ट। कारण और प्रभाव जब एक साथ होगा तो दो फ्यूचर के टेंसेस सेंटेंसेस को एक साथ यूज नहीं करते, इस तरीके से लिखना होता है। रवि भाई आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं, द क्रॉप्स विल हैव ड्राइड बिफोर
इट रेन्स, बारिश होने से पहले फसल सूख चुकी होगी, यानी बारिश पहले नहीं होगी, पहले फसलें सूखेंगी, और जो काम फ्यूचर में पहले नंबर पे होगा वो विल हैव ड्राइड, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस रहेगा, और जो काम सेकेंड नंबर पे होगा फ्यूचर में उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होगा। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, सब्जेक्ट में यहां इट लिखा है, इट सिंगुलर नेचर का होता है और सिंगुलर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई मेरे बच्चे लोगों को? तो अब बताओ क्या मैं इसको ऊपर कर दूं थोड़ा सा और एक सेंटेंस लिख दूं आपके लिए? अब आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करोगे? चलिए एक क्वेश्चन देखिए धमाकेदार, बस ऊपर से नकल मारनी है आपने, ठीक है? बस एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, फिर आप देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। शी विल हैव मैरिड समवन व्हेन ही रिचेस, जब तक वो पहुंचता है वो किसी और से शादी कर चुकी होगी। रवि भाई ने ये सेंटेंस बनाया, मैंने नहीं बनाया, बट सेंटेंस बहुत अच्छा है। तुझे जिंदगानी भूल जानी पड़ेगी। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। वेद प्रकाश ने बिल्कुल सही आंसर दिया है और मोहम्मद मुहसिन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, शाबाश बच्चा। शिवम राजन ने एक सेंटेंस लिख के भेजा है, विल दे हैव अनाउंस द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट, क्या वो अपने टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर चुके होंगे? वाह बहुत बढ़िया सेंटेंस, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, नो एरर। मोहम्मद ने सही, महावीर का आंसर सही है, रवि का आंसर सही है, प्रवीण ने गलत आंसर दिया है, प्रवीण ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है, शाबाश शाबाश। अंजलि का आंसर भी गलत गया है। ऐसा नहीं है कि आपके बारे में मैं नाम ले रहा हूं कि गलत किसका जा रहा है तो आप ऐसे आंसर ना बताओ, आपको आंसर बताना पड़ेगा। देखो गलतियां ढूंढोगे, गलतियां पकड़ी जाएगी, तभी आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शिवम राजन,
दीपक का गलत है इस बार, निशांत का गलत है, शिवम का गलत है, अभिजीत का गलत है, सुधाकर का भी गलत है। चलो इसका आंसर आना था बच्चे नन ऑफ द अबव। एक बार बताओ ये बिफोर लिखा है, बिफोर से पहले वाला यानी जो एक्शन पहले हुआ है वो बिफोर से पहले होगा, तो इसमें लिखा जाना चाहिए विल हैव पोस्टेड। चलो सही है, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा विल हैव पोस्टेड, विल हैव पोस्टेड, ठीक है। और दूसरे में सिंपल प्रेजेंट यूज होगा फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां मैनेजर तो सिंगुलर है ना, और अगर सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी आईएस लगती है, आस्क नहीं, आस्क आना चाहिए, ऑप्शन में ही नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। बताओ समझ में आया या नहीं, बताओ समझ में आया या नहीं, बताओ। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल क्वेश्चन था। जितने लोगों का गलत गया क्या उन सबको पता लगा कि आंसर में गलती कहां देख रहे थे आप? चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलूं, अगले क्वेश्चन पे चलूं, अगले कॉन्सेप्ट पे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सुधाकर इज सेइंग सुपर एक्सप्लेनेशन डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच। जसपाल इज सेइंग वेरी इजी क्वेश्चन, दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग दिस वाज द वेरी हिलारियस एंड फंटाबुलस क्वेश्चन व्हिच आई एम आस्किंग कंटिन्यूअसली। नो, दे आर लाइक अ कप ऑफ टी फॉर यू, इफ आई आस्क यू अ कप ऑफ टी और केक वॉक, इसका मतलब अ वेरी इजी टास्क, बहुत आसान कार्य को बोलते हैं केक वॉक, अ कप ऑफ टी, वेरी इजी टास्क। सुधाकर प्लीज माइंड योर स्पेलिंग, एक्सप्लेनेशन होती है, एक बार देख लीजिएगा, स्पेलिंग एरर के तौर पर कुछ बता देता हूं। सबसे पहला वर्ड होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन वर्ड एक वर्ब का काम करता है, इससे एक्सप्लेनेशन बनती है, एक्सप्लेनेशन। आप इन दोनों स्पेलिंग के अंदर भिन्नता देख सकते हो, यहां ए आई आता है और यहां ए हो जाता है उसका, यही इसका फायदा है। ऐसे ही आप प्रोक्लेम लिखते हो, प्रोक्लेम, तो प्रोक्लेम से प्रोक्लेमेशन बन जाता है, प्रोक्लामेशन, तो यहां पर भी ए आई का केवल ए बच जाता है। तो डिक्लेम का डेक्लामेशन, रिक्लेम का रेक्लामेशन हो जाता है, सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। जय हो जय हो जय हो, आओ जी आओ। फ्यूचर के अंदर चौथा टेंस करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए क्या होता है। अब इसके अंदर दो तीन शब्द लिखे हुए हैं, पकड़िए। फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, विल या शैल, फ्यूचर का मतलब हुआ विल या शैल, परफेक्ट का मतलब हुआ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। तो लगाते जाओ, फ्यूचर का मतलब हो गया विल आएगा या शैल आएगा, उसके बाद परफेक्ट का मतलब हो गया हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस का मतलब हो गया फर्स्ट फॉर्म विद आई एन जी, और ये इसका मतलब हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो काम फ्यूचर में शुरू होगा, फ्यूचर में कुछ कुछ खत्म भी होगा और फ्यूचर में चल भी रहा होगा, हम मॉर्निंग से तुम्हारा इंतजार किए जा रहे होंगे, हम सुबह से तुम्हारा इंतजार किए जा रहे होंगे, इसका मतलब तुम्हारे तुम्हारा आने का इंतजार हम सुबह शुरू करेंगे और करते जा रहे होंगे, जब तक तुम नहीं आओगे तो थोड़ा थोड़ा इंतजार खत्म भी होता जाएगा और थोड़ा थोड़ा इंतजार चल भी रहा होगा, उसके लिए आपको इस तरीके से काम होगा। एंड आई विल हैव कंप्लीटेड द चैप्टर बाय टूडे, आज आज के अंदर अंदर मैं इस चैप्टर को आपके आगे जो मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन दी जानी है वो खत्म कर चुका हूंगा। आई विल फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड द
डिस्कशन ऑफ टेंसेज बाय टुडे और बाय 5 PM टुडे। अगर मैं कहूं तो मैंने कौन से टेंस को यूज किया, परफेक्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट को यूज किया। लेकिन अगर मैं कहूं मैं 5 बजे तक इसको शुरू किए जा रहा हूंगा, हम पूरी जिंदगी से तुम्हारा इंतजार किए जा रहे होंगे। हाय 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 रवि यार, बड़ा इमोशनल आदमी यार, कैसी कैसी लाइनें लिख रहे हो। चलिए अच्छा एक बात बताओ बच्चा लोग, अगर इसके अंदर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो नोट कहां लगेगा? हैव। अच्छा एक और बात नहीं बताई मैंने, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म दोनों नहीं आती, जिसका कोई नहीं होता उसका बी होता है, और बी की थर्ड फॉर्म जो होती है वो बीन होती है, ये लगा लें तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन बन गई है। अब इसका अगर एक एग्जाम्पल बनाएं तो आई शैल या विल कुछ भी लिखो, आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस बुक, मैं इस बुक को किताब को पढ़े जा रहा हूंगा फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स, अगले 2 सप्ताह से मैं इस बुक को पढ़े जा रहा हूंगा। तो आपके पास द नेक्स्ट 2 वीक आया, द नेक्स्ट एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताता है तो 4 आ गया। इसका मतलब यहां फिर से एक टाइम नोटेशन का झगड़ा आने वाला है, तो सबसे पहले टाइम नोटेशन का झगड़ा देख लीजिए। और ये थोड़ा सा अलग है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है और इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई घपला है तो नोट कर लीजिएगा। अगर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो अभी तक यहां पर सिंस आ रहा था, लेकिन यहां पर सिंस नहीं आएगा क्योंकि सिंस का मतलब होता है तब से अब तक, और तब से अब तक का मतलब है तब मतलब पास्ट और अब मतलब प्रेजेंट। जो चीज प्रेजेंट पास्ट से प्रेजेंट तक की यात्रा कराती है उसे सिंस में लेते हैं। लेकिन यहां सिंस क्यों आएगा बेटा? सिंस नहीं आएगा क्योंकि बात तो फ्यूचर में स्टार्ट होनी है, फ्यूचर में खत्म होनी है, फ्यूचर में कंटिन्यूअस रहनी है, तो यहां तो ना तो पास्ट की बात है ना प्रेजेंट की बात है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल नहीं होता। यहां पर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल होता है, और यही क्वेश्चन आपके पास सबसे ज्यादा पेपर में आता है। सर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही क्यों बताई, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट क्यों नहीं हटाई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वहां पर मेन वर्ब है, और आईएनजी कभी भी थर्ड फॉर्म के साथ नहीं आता, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आईएनजी लगता है। रनिंग नहीं होता, रनिंग होता है। जसपाल कराना, आईएनजी जो लगता है वो ओरिजिनल फॉर्म के साथ लगता है, ओरिजिनल बेस वर्ब के साथ लगता है। जसपाल कराना जी एक बार यस या नो में आंसर दीजिएगा, क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं? और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि ड्यूरेशन को चेंज नहीं करते तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए एज इट इज 4 का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, तीनों टेंसेस के अंदर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए 4 रहता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फिक्स्ड पॉइंट के लिए सिंस का प्रयोग होगा, लेकिन फ्यूचर वाले में वो केवल फ्रॉम का यूज होगा, क्योंकि सिंस का मतलब होता है फ्रॉम नाउ टू देन, और नाउ और देन को हटा दें तो केवल क्या बचा, फ्रॉम, और उसी फ्रॉम को इसके अंदर हम ले लेते हैं। सर स्ट्रक्चर में परफेक्ट में हैव की जगह हैज का यूज क्यों नहीं होता? महावीर बंसल कितना बढ़िया प्यारा बच्चा है, आज हमने फ्यूचर परफेक्ट के अंदर बताया था और इसको हमने कहा था विल और शैल जो होते हैं वो मॉडल्स का काम करते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्योर फॉर्म, बेस फॉर्म,
वो बेस फॉर्म और प्योर फॉर्म भी होनी चाहिए। हैव से हैज सिंगुलर के लिए बनता है, जबकि प्योर शब्द हमेशा हैव होता है। इसके अंदर सिंगुलैरिटी और प्लुरालिटी चेक करके नहीं बताते। अगर विल शैल आया हुआ है, साथ में आपको हैव ही लगाना पड़ेगा। ही शैल हैव अ पार्टी, ही शैल हैव अ कप ऑफ टी, कुछ इस तरीके से ही लिखना पड़ेगा। ओके महावीर, एक बार यस या नो करके आंसर दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो। न केवल फर्स्ट फॉर्म पर इंटेंसिफाई कर रहा हूं मैं, बल्कि उसकी बेस फॉर्म जो है उसके ऊपर भी इंटेंसिफाई कर रहा हूं। गॉट इट गाइस? चलिए, ओके ओके, थैंक यू महावीर, थैंक यू। देखो जबरदस्ती नहीं समझना, पूछ लेना है। ये बेसिक्स बढ़िया हो रहे हैं भैया तुम्हारे, अब आ जाता है ना तुम्हारे समझ। जबरदस्ती मत पढ़ा करो, देखो मन से पढ़ा करो। मन से पढ़ोगे तो पेपर में भी मन से आंसर निकलेगा, जल्दी आंसर निकलेगा। आपकी इंट्यूशन खुद बता देगी ये आंसर है। आपको खुद कारण पता हो या ना पता हो, आपकी इंट्यूशन खुद आपसे बात करती है उस समय। चलिए अब यहां पर आपके पास एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, एग्जाम्पल, और सब लोग वो एग्जाम्पल अपने कॉपी पर मैच करेंगे और कमेंट बॉक्स पर भी लिखेंगे। आप लोग अपना एग्जाम्पल बनाइए, फिर मैं चेक कर दूंगा। मैं अपना एग्जाम्पल बना लेता हूं। चलो क्वेश्चन ही बना दो एग्जाम्पल को। हाँ, ओनली इन द केस ऑफ फ्यूचर यू हैव टू यूज फ्रॉम व्हेन पॉइंट ऑफ टाइम इज गिवन। वेरी गुड, शाबाश। द फैमिलीज विल हैव बीन लिविंग इन मुंबई फ्रॉम 2007। अभिजीत ने बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा है। वेद प्रकाश का आंसर बिल्कुल सही आ गया। अमित, रवि, अनन्या, सबका आंसर सही आ गया। लेकिन बीच में ये एक बच्चा है, हर्ष। हर्ष बेटा, अभी मैंने मॉर्निंग के लिए क्या लगाया था ऊपर, मैंने मॉर्निंग, मॉर्निंग जो आता है वो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। मॉर्निंग जो आता है बेटा वो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, डस्क, डॉन, ऐसे कोई तारीख का नाम आ गया 18 अप्रैल 2021, है ना, ऐसे, या केवल अप्रैल आ गया, केवल 2021 आ गया। ये जितने भी होते हैं फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। 5 o'clock, 6 o'clock, कुछ भी दे दे, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। और अगर मॉर्निंग टुमारो नहीं होता, क्या होता है, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, और ये अपने आप में एक पॉइंट ऑफ टाइम है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका इस्तेमाल होता है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रखा है। यहां पर राइट आंसर सी इज द राइट आंसर, यहां पर सी राइट आंसर आना है। महावीर कह रहे हैं नो इंप्रूवमेंट आएगा, नहीं बेटा,
मॉर्निंग टुमारो का टुमारो मॉर्निंग बनेगा, पहली गलती तो यही है, तो नो इंप्रूवमेंट की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलो जी यहां तक सबको बात क्लियर है तो एक क्वेश्चन और बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चलूं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलूं एक बार, यस करके फटाफट बताओ। देखो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी को डाउट है तो पूछ लो। शी विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 3 o'clock, बिल्कुल सही बताया है अंजलि कुमारी ने, बिल्कुल सही आंसर लिखा है, सही एक सेंटेंस डेवलप करके लिखा है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, समझने की प्रॉब्लम है, हल्के हल्के समझते जाइए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन के साथ डिलीवरी करते जाइए, तुरंत चीजें समझ में आएगी। एक सेशन पूरा करने के बाद, अब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आज, ये टेंस पूरा हो गया, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं। ये टेंस की जो डिस्कशन है, क्वेश्चन और डाउट वगैरह अलग है, वो अगली क्लास में कर लेंगे, जो डिस्कशन है वो पूरी हो गई है। तो अब आप क्या करना, जितने भी वीडियो मैंने केवल टेंस के ऊपर ली है, उसको संडे को बैठ के सारी को एक बारी में सुन लो, कहीं कहीं जो डाउट आ रहे हैं, नेक्स्ट फ्राइडे नेक्स्ट थर्सडे जब भी हमारी डाउट सेशन क्लास लगेगी, प्रैक्टिस क्लास लगेगी, उसके अंदर आपने रेज करने हैं। आपका काम शुरू हो गया है, मेरा काम अब यहां से एंड हो गया है। ठीक है, तो देखो बच्चे, दे विल हैव बीन स्टडिंग लिखा हुआ है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस का इस्तेमाल नहीं होता, सिंस का इस्तेमाल नहीं होता मतलब फॉर या फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, यानी कि आंसर जो आएगा वो बी या सी में से आएगा, ए या डी की कोई संभावना नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग कॉमन है, जो मॉर्निंग शब्द होता है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप चाहते हैं कि सर मॉर्निंग इवनिंग क्या होता है, तो आप मेरी प्रेजेंट परफेक्ट की डिस्कशन देख लेना कि सिंस कहां कहां आता है और फोर कहां कहां आता है की जगह मैंने बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम किस किस को मानते हैं और ड्यूरेशन ऑफ टाइम किस किस को मानते हैं। तो मॉर्निंग जो शब्द है वो पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। फ्रॉम मॉर्निंग टुमारो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जबकि इसके अंदर जो करेक्ट सेंस आती है वो टुमारो मॉर्निंग ज्यादा फॉर्मल माना जाता है। रश्मि राज, ठीक है, चलो अब आपके पास एक काम करता हूं, आपको एक एक्सरसाइज देकर जाता हूं और 5 मिनट का ब्रेक भी ले लेता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये देखिए, चौथा देखिए, चौथी एक्सरसाइज है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बीच के डिफरेंसेस है, इसको आपने पूरा करना है। देखो, बाय द एंड ऑफ दिस ट्रिप, बाय जब आ जाता है तो क्या लगाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक बार ये 12 के 12 क्वेश्चन एक बार देखो, मैं आपके पास अभी अभी आपके पास आता हूं।
क्वेश्चन देखने की कोशिश करें, सारे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यहां से। चलो थोड़ा सा इसको चलो जी, डोंट कॉल मी बिटवीन 7 एंड 8, मुझे 7 और 8 के बीच में कॉल मत करना। आई डैश डिनर, अब इसने लिखा है आई डैश डिनर। थोड़ा सा इधर करते हैं, आई डैश डिनर, इसका मतलब क्या हुआ कि 7 और 8 के बीच में मुझे डिनर नहीं, सॉरी, मुझे कॉल मत करना। मैं क्या कर रहा हूंगा, मैं डिनर कर रहा हूंगा उस टाइम, तो आई विल बी हैविंग डिनर, मैं उस समय डिनर कर रहा हूंगा। आई विल बी हैविंग डिनर। और कॉल मी आफ्टर 8 o'clock, मुझे 8 बजे के बाद करना कॉल, क्योंकि तब तक मैं डिनर कर चुका हूंगा। और बाई के बाद फ्यूचर टेंस अगर लग जाए तो तब तक मैं कर चुका हूंगा, यानी वी विल, सॉरी, वी विल हैव या वी शैल हैव फिनिश्ड डिनर बाय देन, ये इसका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा। देखो अब राइट आंसर निकालते कैसे, पहले देखो आपके राइट आंसर क्या आ रहे हैं, फिर अपनी अप्रोच भी ऐसे ही बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन, कैन वी मीट टुमारो नून टाइम, क्या हम कल मिल सकते हैं दोपहर के वक्त। तो दूसरे ने कहा नो आई डैश, हम नहीं मिलेंगे क्योंकि मैं काम कर रहा हूंगा। कब, कल, उस समय, केवल टुमारो होता तो फ्यूचर, और फ्यूचर का कोई पॉइंट बता दिया नून टाइम पे, 3 बजे, 5 बजे, इसका मतलब है उस समय मैं काम कर रहूंगा। नो आई विल बी वर्किंग एट दैट टाइम, या आई शैल बी वर्किंग एट दैट टाइम, ये इसके अंदर आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ ही कॉन्टिन्यूज लाइक दिस। अब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट में बताया था, इफ के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो बाद में विल, शैल, कैन, मे का पार्ट आएगा, प्लस मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी।
तो ही विल स्पेंड ऑल हिज मनी बाय द एंड ऑफ हिज हॉलीडे। अब देखो बाय द एंड ऑफ हिज हॉलीडे लिखा है, तो फ्यूचर आना था ये तो पता है, पर बाय आने पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है, बताया था या नहीं याद करो, आज की शीट के अंदर बताया था ही विल हैव, और स्पेंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनती है स्पेंड स्पेंट स्पेंट, और ये आंसर हो जाएगा स्पेंट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डू यू थिंक यू स्टिल डू द सेम जॉब इन 10 ईयर्स टाइम, क्या तुम मानते हो कि तुम वही काम करे जा रहे हो इन 10 ईयर्स टाइम, 10 साल से वही काम कर रहे हो। इसने कहा 10 साल से वही काम कर रहे हो, यानी 10 साल से वही काम किए जा रहे हो, यू आर स्टिल डूइंग, अगर आप यू आर स्टिल डूइंग लिखते हैं तो भी आंसर सही है, एंड यू हैव बीन स्टिल डूइंग अगर आप ये लिखते हैं तो भी ठीक है, क्योंकि स्टिल जो है एक एडवर्ब है जो कि वर्ब से पहले आएगा, यू आर स्टिल डूइंग या यू हैव बीन स्टिल डूइंग। अगर यहां पर सिंस फॉर द लास्ट 10 ईयर्स होता तो फोर के साथ तो पक्का हैव बीन स्टिल डूइंग आता, फिर आर स्टिल डूइंग का आंसर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपका आंसर बनता है इफ यू नीड टू कॉन्टेक्ट मी आई स्टे एट नाइट्स ब्रिज होटल टिल फ्राइडे। तो इफ यू नीड, इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहां पर फ्यूचर आएगा यानी विल चलाएगी, और टिल या अनटिल के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है, तो आई विल हैव स्टेड, मैं यहीं पर रहूंगा, आई विल हैव स्टेड आंसर आ जाएगा, आई विल हैव स्टेड आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। अगला क्वेश्चन देखो, आई डैश कॉल यू व्हेन आई डैश बैक फ्रॉम वर्क, जब मैं काम से लौटूंगा तब मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तो इसका मतलब आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, और मैंने बताया नो टू फ्यूचर्स कैन कम टुगेदर व्हेन टू रिलेशंस, टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशंस आर गिवन टुगेदर, तो व्हेन आई गेट बैक फ्रॉम होम, और वहां पर अगर एक तरफ फ्यूचर है तो दूसरी तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यहां पर सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी गेट का, गेट आ जाएगा। ठीक है, मनीष कुमार कह रहे हैं सर विल बी स्टेइंग आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, यहां पर कई तरह के आंसर है, फ्राइडे तक मैं वहीं रहूंगा, वहीं रहे जा रहा हूंगा, विल स्टे लिखो, विल हैव स्टेड लिखो, विल बी स्टेइंग लिखो, तीनों ठीक है, बट एक्यूरेसी की बात आ जाए तो यहां पर आपके पास क्योंकि टिल अनटिल बाय विल हैव स्टेड का सेंस अक्सर ले लिया करते हैं, इसलिए इसको ग्रामेटिकल कंपोजिशन पे ज्यादा एक्यूरेट और फॉर्मल बनाने के लिए राइटर्स ग्रामेरियन इसका ज्यादा यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आऊं, क्वेश्चन नंबर 7, वी मस्ट डू समथिंग सून बिफोर इट डैश बी टू लेट, हमें कुछ करना ही पड़ेगा सून बिफोर इट इज टू लेट, बिफोर इट इज टू लेट या इट विल बी टू लेट, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं बिफोर इट इज टू लेट, वैसे भी हमें पता है बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो होता है वो कहीं ना कहीं बात पहले नंबर पे होने वाला है और बाद में ये होने वाला है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आपके पास लगेगा, और बी की प्रेजेंट टेंस होती है इज आर एम, इट के साथ लगेगा इज। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, अपने आप में थोड़ा सा समझने की जरूरत है, जिसे हम मॉडल्स को दोबारा से जब करेंगे तब एक बार फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। विल हैव कोल्ड नहीं आएगा सर, ना ना विल हैव कोल्ड, वहां पर आफ्टर बिफोर का इंक्लूजन नहीं है बेटा, व्हेन का इंक्लूजन है, जब मनीष आपके पास सूरज आफ्टर बिफोर का खेल हो तभी तो पता लगेगा एक काम इसके बाद हो रहा है या एक काम इसके पहले हो रहा है, लेकिन व्हेन आपके पास जब होता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस की तरह डील किया जाता है, इफ की तरह डील किया जाता है, और कंडीशनल वर्ड्स के तौर पर इफ अनलेस व्हेन बिफोर आफ्टर इन सारे वर्ड्स को लिया जाता है,
अगला चैप्टर जो हमारा शुरू होगा वो मॉडल्स और मॉडल्स और टेंस को कंबाइन करके जैसे ही हम कंडीशनल पे आएंगे इस एक्सरसाइज के वो सवाल जो हम यहां इस समय ब्लॉक में डाल रहे हैं वो आप मेरे से दोबारा कंफर्म कर सकते हैं, तब ये ज्यादा लूसिड तरीके से कन्वर्ट हो जाएंगे। कैन वी यूज बिकम्स इन क्वेश्चन नंबर 7? वी मस्ट डू समथिंग बिफोर इट डैश। जब बिकम बी लिखा हुआ है तो बी का बिकम कैसे बन जाएगा या बिकम्स कैसे बन जाएगा? बिकम्स यूज नहीं कर सकते, वो सेंसलेस भी हो जाएगा मोहम्मद जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, 8 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 8, ब्रायन लुक्स वेरी डिफरेंट नाउ। ब्रायन दिखता है आजकल, दिखता है बहुत ही अलग दिखता है ब्रायन। ब्रायन किसी बच्चे का नाम होगा, किसी पुरुष का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा। व्हेन यू डैश सी हिम अगेन यू डैश हिम। मैंने बोला व्हेन किसका काम कर रहा होता है, इफ, और इफ के साथ जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो व्हेन यू सी हिम अगेन, जब तुम उसे दोबारा देखते हो, यू विल नॉट रिकॉग्नाइज हिम, तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। और अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम हो रहा है तो उसके डिपेंडेंट जो सेंटेंस बनेगा वो विल, शेल, कैन, मे में से बनेगा। और कैन और मे तो मॉडल्स हैं, फ्यूचर अभी पढ़ रहे हैं, तो विल या शेल में से आएगा। यू विल नॉट रिकॉग्नाइज, विल के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रिकॉग्नाइज बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें, आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट विद यू, मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना चाहती या चाहता। आई डैश स्टे एट होम अंटिल यू डैश बैक। I will stay at home. I will stay at home या I will have stayed at home until you are back. जब तक तुम नहीं आते हो, जब तक कि तुम नहीं आते हो, मैं घर पर ही रहूंगा, मैं घर पर ही रहूंगी। I will stay या आप until को देखकर लगाना चाहें तो will have stayed को भी लगा सकते हैं, बट यहां पर एक नॉर्मल कंडीशन को ही शो कर रहा है और ये वर्ड्स भी आपके पास कंडीशनल वर्ड्स के तौर पर ही यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आई एम गोइंग फॉर लंच, मैं लंच के लिए जा रहा हूं। इफ एनीबडी फोन यू, अब देखो इफ लगा दिया, इफ एनीबडी फोन आएगा या फोन्स, तो एनीबडी सिंगुलर सेंस का होता है, फोन्स आएगा। इफ एनीबडी फोन्स यू फोन्स वाइल आई डैश आउट कैन यू टेक अ मैसेज वाइल आई एम आउट। जब कोई तुम्हें फोन करे कि जब मैं बाहर हूं तो तुम मैसेज ले लेना, कैन यू टेक अ मैसेज। और मैंने बताया कंडीशनल सेंटेंस में या तो विल शैल रहते हैं या कैन में रहते हैं जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहता है। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है इसलिए कैन कहां चला गया, बाहर चला गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, आई एम ट्रूली ऑफेंडेड, मैं सच में बहुत ज्यादा ऑफेंडेड हूं। आई डैश नॉट स्पीक टू हर अंटिल शी डैश अपोलोजाइज। अब अंटिल भी इफ की तरह काम करता है, तो अंटिल शी अपोलोजाइजेज, अंटिल शी अपोलोजाइजेज, जब तक कि वो माफी नहीं मांगती है मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी। आई विल नॉट स्पीक टू हर, आई विल नॉट स्पीक टू हर अंटिल शी अपोलोजाइजेज। जेम्स इज ट्रेवलिंग अराउंड यूरोप, जेम्स आजकल यूरोप में घूम फिर रहा है। बाय द एंड ऑफ हिज ट्रिप ही डैश अ डिस्टेंस ऑफ 300 miles। अब ये लिखा है आजकल वो यूरोप में घूम रहा है और इस ट्रिप के एंड तक, वो कब एंड होगी, फ्यूचर में, और फ्यूचर के साथ बाय लगा दिया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है। विल शैल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ही विल हैव कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 300 miles, वो 3000 मील का दूरी यानी डिस्टेंस पार कर चुका होगा। विल हैव कवर्ड, विल हैव कवर्ड के सेंस में यह आंसर आ जाएगा। सो यहां पर पूरा का पूरा 4:59 और चंद सेकंड हो गए हैं और आपके पास संडे है, एक बार इस एक्सरसाइज को रिवाइज कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।